ऐसा अच्छा लग इसके लिए लग रहा है कि हमारे दो युवा साथी समीर सलमानी नाम से एक नया हेयर ड्रेसिंग और उसका कोई कॉन्सेप्ट भी उन्होंने इनोवेटिव बनाया है कि भाई पंजाबी ड्रेसेस में लोग पंजाबी कॉन्सेप्ट हो मराठी कॉन्सेप्ट हो, मुझे लगता है अपने आप में इस इंडस्ट्री में एक नई नई इनोवेशंस ये हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में हो रही है। और अच्छी बात तो ये है कि दो हमारे नौजवान साथी ये इसको चला रहे हैं। बांद्रा इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू दिस एंड आई जस्ट फील दैट एंड आई जस्ट प्रे दैट दे शुड गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स। दिस इज बेसिकली आई एम फ्रॉम बांद्रा एंड दिस इज हैपनिंग इन बांद्रा एंड दिस टू पीपल हु आर डूइंग दिस दे आर रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड आई जेन्युइनली फील दैट इफ दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज सो इनोवेटिव आई शुड सपोर्ट देम। कितनी हौसला अफजाई होती है जब आपसे चला दिग्गजियाँ खुद मौजूद है आपकी हौसला अफजाई। एक्चुअली सबसे पहले तो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं इनका क्योंकि बांद्रा में काफ़ी साल हो गए मुझे, काफ़ी कुछ चेंज देखने मिला है जब से आशीष सर ने बांद्रा को संभाला है। रिक्लेमेशन हो या फिर बैंड स्टैंड हो या फिर आपका कटर रोड हो, मतलब बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है अगर आप बांद्रा को देखें तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि आशीष सर के जैसे सब लोग बने। और मैं चाहता था कि बस जब मेरा ओपनिंग हो सलोन का तो मैं डेफिनेटली सर को ही बुलाऊँ। बहुत खुश हैं हम तो ये यहाँ है और इनके हाथों ओपनिंग हुई है। थैंक यू सो मच, बस वही कहना चाहूँगी। और आशीष जी आपसे क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब आप अपने आप को किसी भी ब्रांड से देखिए, पहली बात तो मैं समीर और इनके वजह से इसके साथ जुड़ा हूँ और मेरा पूरा भरोसा है कि और अपेक्षा भी है कि इस इंडस्ट्रीज़ के जो डूज़ और डोंट्स हैं वो दोनों भी ये फॉलो करते हैं और करेंगे भी। स्वाभाविक है कि लोगों की अपेक्षा नीट क्लीन इनोवेटिव स्टाइल द अपकमिंग थिंग्स इस सब के बारे में होती है और उस इंडस्ट्रीज़ की अपेक्षा है दोनों भी पूरे करेंगे। और मुझे लगता है ये इनकी शुरुआत है, ऊपर वाला ने चाहा तो ये इनकी शुरुआत ये पूरे नेशनल लेवल तक जाए इंटरनेशनल लेवल तक जाए। थैंक यू। हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, वी आर फ्रेंड। तो एक दिन हम लोग ऐसी बात कर रहे थे सलोन ओपन करने के लिए, हम लोग के माइंड में कुछ आइडियाज़ आए कि लाइक क्या यूनिक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक चार पांच कल्चर उठाए जो काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो वी थॉट कि लाइक लेट्स गो विथ समथिंग, क्योंकि सलोन तो सलोन हर जगह सलोन होता है, बट वट वी कैन डू डिफरेंट। सो वी लाइक थॉट सो मैनी आइडियाज, सो मैनी थिंग्स लाइक वी हैड डिस्कशन सो मच अबाउट इट। तो फिर हमारे माइंड में आया कि चलो ठीक है कुछ थीम्स करते हैं। तो इंडिया में पहली बार ऐसा है कि हम लोग थीम सलोन लेकर आए हैं जिसमें कि इंटीरियर भी हमारा काफ़ी डिफरेंट है, छोटा सलोन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हमारा प्रोजेक्ट है जो 20 सलोन का प्रोजेक्ट है विद इन 5 ईयर्स विच वी हैव टू अचीव।
बट आई वुड लाइक माई फ्रेंड शुड से अबाउट माई लाइक अबाउट द थीम एंड ऑल या सो शिल हेल्प ओके सो वी हैव दिस थीम विच इज़ कॉल्ड पंजाबी थीम जहाँ सब पंजाबी यू नो ड्रेसेस पहनेंगे एंड वील बी हैविंग पंजाबी फूड वील बी डूइंग पंजाबी हेयर स्टाइल सो दिस विल बी वन डे एंड द अदर डे विल बी या म्यूजिक एज वेल पंजाबी म्यूजिक एज वेल अदर डे विल बी साउथ इंडियन थीम उसमें सब साउथ इंडियन ड्रेस पहनेंगे एंड वील बी हैविंग अ नारियल पानी वील बी हैविंग बेसिकली अ साउथ इंडियन डिश and then playing all Anna songs so we are doing a lot of interesting things and looking forward to achieve it yeah then so, we have like Arabic theme as well okay and Arabic music so that's going to be like very different and interesting and Marathi theme as well then you have Bollywood theme in Bollywood theme you will have like different music different dresses No uniform when you have like team, okay? Like no, there's no salon or uniform. So we have come up with the like different ideas and let's see. Like we're looking forward what we can achieve best. And who has given you these ideas? Like architect or Usna? She is the one. She is the one. Yes. And Usna, from where did you get these ideas? Like, what was the future thought? बेसिकली मैं और समीर वी वर जस्ट सिटिंग एंड वी थॉट कि चलो सलोन ओपन करते हैं बट देन नॉट दैट नॉर्मल सलोन काइंड ऑफ अ थिंग सो आई गॉट दीज आइडियाज ऑटोमेटिकली आई डोंट नो हाउ बट आई शेयर्ड विद हिम एंड ही वाज लाइक कम ऑन लेट्स डू दिस सो शी वाज जस्ट टॉकिंग एंड देन लाइक सो मेनी थिंग्स वाज कमिंग इन माइंड तो फिर कुछ चीज़ें फिर हम लोगों ने कलेक्ट किया और फिर सलोन ओपन लाइक नाउ ड्रीम इज या बस आप लोगों की दुआ है अभी यस वी वांट टू अचीव इट दैट्स ऑल एंड सपोर्ट अस या डेफिनेटली व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स लाइक यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव विद इन 5 इयर्स वी वांट टू ओपन मोर ब्रांचेस इन मुंबई सेल्फ और ऑल ओवर इंडिया फॉर नाउ मुंबई सेल्फ देन ऑल ओवर इंडिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह सो वी आर प्लानिंग लाइक 5 to 6 ब्रांचेस इन मुंबई दिस इज द स्मॉल सेटअप फॉर नाउ But next project will be like more than 1,000 carpet with a theme only. The theme is going to be the same everywhere. Okay. Yes. Are you going to add few themes or you know delete few themes? We will modify. Yes. Yeah, we will modify. But we are not going to delete. Okay. Yes, because the thing is that it should when you go wherever you go, you always see first environment, right? You always see like culture of that place. There's 1,000 salons in the world, in India, in fact, you know. But over there, people just go for haircut. People go for color. People go for like manicure, pedicure, or skin. But then, they are not getting some different thing, you know, in terms of entertainment. So we want salon and entertainment together. Both together. Yes. And the products जो आपने अभी बात करी the products are you going to use the same products which are in the market or are they different from the others? Basically, products we are using all the good brands. If you talk about the small salons, they use all local products, but we are using all international products. Yeah, we just have seen few colors and all. Yeah. So right now we have tied with one brand. We are coming up with more brand in terms of colors and all, yeah. But we have very different concept in color bar. Color bar is very different. Like you never have seen in the world. This is like first time, and that idea was like again credit goes to her and my interior designer team. Yeah. Like in a small place, they have done really well. This product display and the color display. Like everything. So you can say that she's the lady behind you. You know. Yes. So कहना कुछ गलत नहीं होगा. कभी भी कुछ नहीं. See, हर एक इंसान का कहना यही होता है ना कि हर success के पीछे किसी एक ladies का हाथ होता है. So she is the one actually. Yeah, because I was trying to open my own salon since many years, but then we met. We are like good friend, and now see my dream is here. Yeah. Thank you, Samir. Thank you. Thank you.
यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ दिस सैलून एंड व्हाट वाज द यूनिक आइडिया बिहाइंड दिस दैट यू वांट टू ओपन दिस काइंड ऑफ सैलून एंड व्हाट इज यूनिक इन इट प्लीज. So initially Samir approached us with the idea of first theme salon kind of a thing. So the theme was, as he has already discussed with you, was introducing different culture on a different days. So we thought the best thing we should introduce monochrome colors. So the all the colors which we have in India can play its role in the monochrome color. So and then like we had a lot of requirements and we efficiently planned out the space and we placed like volumes, we created volumes inside the entire long space and we used ambient lighting for an indirect lighting for, you know, because the most important thing in a salon is when you see yourself, the lighting needs to be perfect. That was one of the very important criteria we focused on. We also focused on the framing of salon. Like when you take a longer look, you get different frames forming. So it makes it different from the other salons. Like when you look, and also the. Aishwarya, do you have a prior experience of, you know, architecting, building this kind of salon or anything prior to this? So we have worked for interior houses and architecture. Like mostly the firm is based in Nashik and Mumbai. So we are four people, four partners. We divide our different project amount us in the project. So we have done housing projects and architecture projects as well, and two, three commercial projects also. Okay, and any upcoming projects similar to this or any other different venture you are trying into? Right now we are into housing only, like the interior mostly. The commercial, this was our third project for a commercial. We are hoping we'll do more. समीर के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं, बिकॉज जितनी भी इंटरेक्शन हुई है, मैंने इतना जाना है कि समीर इज़ एक्चुअली एन एक्सपर्ट एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ ऑल्सो कलर एक्सपर्ट और व्हाट आई नो हिम. And it's a real great pleasure to be here, and he's invited me over, so I really feel blessed about this, and also looking forward to the success of his salon, which goes by his own name, which is like a big thing in the market. From what I know of him, he's very very talented, and I wish him the best of luck. It's going to be fabulous, and I will definitely be coming here to get a lot of stuff done for sure. Any other unique thing that you like wish to see in the salon, or you are expecting that Samir ne ye to kiya hi hoga salon? हाँ, जैसे मैंने बताया, कलर एक्सपर्ट तो समीर है ही, सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग यूनिक फ्रॉम हियर, विच वी सी अ लॉट ऑफ वीडियोस हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, थिंग्स दैट हैपन इंटरनेशनली, सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ केक वॉक समीर हियर. मे बी एवरी मंथ फॉर माई हेयर ट्रिम्स. यस, थैंक यू.
वैसे तो अगर आप लोग जानते हो समीर भाई को, समीर भाई मतलब हमारे फैमिली ही समझ लो, फैमिली से ही हैं, और उन्होंने लाइक अपनी शॉप खोली है, तो बहुत अच्छा फील हुआ जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं मेरी शॉप ओपन कर रहा हूँ। सो एक प्राउड फील हुआ कि हमारा भाई है जो अपनी खुद की शॉप ओपन कर रहा है, एंड इसके लिए मैं समीर भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऐसे ही आप हमेशा बड़े से बड़ा काम करते रहो, एंड एक शॉप नहीं, इंडिया में आपकी बहुत सारी शॉप्स हो और वो भी आपके नाम से हो। योगेश क्या कहना चाहेंगे? तो बेसिकली सैलून है ना, जहाँ आके आप अपना मेकओवर कर सकते हैं। आई एम बयान। हाँ बयान, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि समीर भाई को मैं जानता हूँ पहले से, आई नो दैट दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन की इनकी नया सैलून खुला है, एंड आई एम कमिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ हेयर कट डन, एंड अ हेयर कलर मैंने बहुत टाइम से नहीं कराया है, तो समीर भाई को मेरी देखरेख करनी पड़ेगी नॉट यस में, लाइक आई एम रियली एक्साइटेड। क्या कहना चाहेंगे? और मेरा आज फर्स्ट टाइम है, मैं आज पहली बार इनसे मिली हूँ, समीर सर से। योगेश ने मुझे पहले से बता रखा था इनके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं भी आगे देखती हूँ इनके साथ कोलैबोरेट करके। श्योर। ओके मैं आपसे जानना चाहूँगा पर्सनली, अगर आपके अगर बात करी है तो आप क्या किस तरीके की स्टैंडिंग पसंद करते हैं, एंड इधर पे कितनी बार आना आपका होगा? टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी सिंपल एंड वेरी लाइक कैजुअल गोइंग गाय, सो बट नाउ आई एम गोना ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज़ आई मेट समीर भाई, सो इट्स इज लाइक ही हैज वी कैन चेंज इट, सो नाउ आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक डिफरेंट लाइक व्हाट ही हैज, सो आई एम गोना गेट अ हेयर कलर डन एंड आई एम गोना बी लाइक अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ समीर भाई शॉप। ओके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो शुरू से ही हेयर स्टाइल समीर भाई ने की है, तो वो जो भी करेंगे मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, और अभी भी मेरे को पता है अच्छा ही करेंगे, एंड अभी मेकओवर और है तो समीर भाई मेकओवर अच्छा ही कर रहे हैं। समीर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे विहार है, योगेश है, मतलब हर एक इंसान के अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग वो है, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप कोई भी स्टाइलिंग करने से पहले? एक्चुअली सबसे पहले तो इनके शूट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शूट करते हैं और वो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस फेस कट, यू नो, स्किन टोन एंड ऑल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो तब जाके हम लाइक फुल मेकओवर कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर भाई भाई के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर भाई मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे फेस का ख्याल रख रहे हैं, मेरे हेयर का ख्याल रख रहे हैं, तो मेरा भी कुछ ख्याल रखना बनता है कि मैं मेरे भाई का ख्याल रखूँ। It's kind of a responsibility that gets added. Yes, हमें भी समीर भाई का ख्याल रखना है, he's taking care of us इतने तरीके से, फेस का, बालों का, being an influencer is a difficult task, क्योंकि आपको हर दिन लगना है fresh. So that's what he does. And he makes us look fresh, तो हमें भी शॉप को आगे बढ़ाना है। ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो उनसे क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस? तो जितने भी फैंस हैं, दो व्यूवर आस्किंग कि मैं कहाँ जाके हेयर कट कराता हूँ, कहाँ जाके मैं ग्रूमिंग कराता हूँ, तो दिस इज़ द प्लेस आई गो टू, एंड आई मस्ट टेल कि आप सबको जाना चाहिए, बिकॉज इट्स एन ऑसम लाइक, द एनवायरमेंट इज़ रियली नाइस। मैं भी सेम ही बोलना चाहूँगा, जो भाई ने बोला वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एंड बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा समीर भाई को। Yes, you grew a lot. Thank you, thank you. और जल्दी से जल्दी 5-6 shops अलग अलग एरिया में, उसके बारे में भी see a lot of salons of yours. Yes, हर TikTok में आपकी shop नजर आए। Definitely. Definitely. क्या कहना चाहेंगे आज समीर का store launch है, salon launch है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से तो पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आपका स्टोर लॉन्च हो रहा है समीर भाई, और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ ताकि आपके बहुत सारे सैलून्स ओपन हो पूरे इंडिया में, साथ में मैं भी, हम सब की तरफ से, और हम जितना हो सकता है आपका सपोर्ट करेंगे। आपके क्या कहना चाहेंगे? मैं जब इन्होंने कहा कि मैं अपना एक सैलून ओपनिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई सुन के कि मतलब मैं बहुत खुश हुई इनको, और मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, और ये मेरा जो भी हेयर करते हैं, जो भी शूट के लिए मेरे लिए करते हैं, तो ये बहुत अच्छा करते हैं, मुझे तो इनका बहुत अच्छा लगता है, और भगवान करे इनका हर एक जगह, इनका हर जगह सैलून हो, और भगवान से यही दुआ है कि बहुत आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा हर टाइम।
कहीं ना कहीं देखिए या तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर जिस फील्ड में आप हैं, प्रेजेंटेबल दिखना, खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है समीर भाई से आपकी, क्या मेकओवर मिलेगा आपको या क्या यूनिक देखने को मिलेगा सैलून में? ये जब भी कुछ करते हैं बहुत अलग ही करते हैं, जब भी कुछ करते हैं ये जब भी कुछ करते हैं तो बहुत अलग ही करते हैं, और ये इनसे कभी शिकायत तो हुई नहीं है, और हर टाइम इन्होंने मतलब कुछ भी किया तो अपना बन के हमेशा अच्छा ही किया, मतलब अपने ही नहीं बाकी सबका भी बहुत अच्छा किया। मैं इनके पोस्ट देखते रहती हूँ तो ये हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट वगैरह करते रहते हैं, तो ये मतलब बहुत And it's a similarity between what you do and what Sameer Bhai do, it's a similarity, like you both are creative people, both are creative on that. So आप अपने creativity से इनकी creativity जो सैलून उन्होंने खोला उसको कैसे दिखाएंगे या कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे? बेसिकली इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह, तो मतलब हम अगर नहीं पहुँचाएंगे तो बेसिकली वीडियो के थ्रू, वीडियो पर आके टिकटॉक्स एंड ऑल इंस्टाग्राम वगैरह, तो इस थ्रू हम इन्हें पहुँचाएंगे। और इनका है तो यार इनका सैलून यार मतलब अपना yes, of course. है ना, जितना हो सके तो हमें जितना हो सके तो उतना प्रमोट करेंगे, इन्हें हर जगह शेयर करेंगे हर जगह। जो बेसिक कॉम्प्लिकेशन होती है सैलून में वो फ्रेंकली और कोई भी प्रोग्राम आप ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, नहीं होती है इतना प्लम्बिंग और इतना इलेक्ट्रिक। इफ़ यू वांट टू नो द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, द अमाउंट ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिशियन पार्ट एंड द प्लम्बिंग पार्ट दैट गोज इन अ सैलून, आई डोंट थिंक दैट गोज एनीवेयर एल्स, एंड टू मेंटेन दैट अलॉन्ग विद द एस्थेटिक्स आई थिंक दैट वाज द बिग चार्ज फॉर अस। ओके एंड What forward you are looking like, आपको क्या उम्मीद है समीर भाई मतलब इस आयाम को जो हमने खोला है कहाँ तक पहुँचा पाएंगे? लग रहा है ऐसे ही तीन चार और को खोलने के प्लान अभी कर रहे हैं, इनफैक्ट इन मुंबई देन ऑल ओवर इंडिया, तो क्या उसमें भी आपकी भागीदारी होगी? विल यू बी पार्टिसिपेटिंग इन द सेम वेंचर फॉर हिम? तो समीर भाई बताएंगे, बट आई विल टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई साइड, यंग माइंड्स अ प्लेटफॉर्म, दैट इज वॉट ही इज गिवन अस। आई विल टेल यू समथिंग, अ चांस टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस विद फुल फ्रीडम, आपको जैसा लगता है, आपको एस्थेटिक्स का नॉलेज है, आपको अगर कुछ लगता है आप कीजिए, अ फ्री हैंड, नॉट एवरी क्लाइंट गिव्स अस, टू कीप दैट मच फेथ ऑन अस, आई थिंक दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग। आगे पता नहीं है बट वी आर, दिस इज एच्ड इन आर मेमरीज लाइक एक्सपीरियंस। ग्रूमिंग को लेके आपकी क्या टिप्स हैं जो न्यू जनरेशन है उसके लिए, स्पेशली आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स और इवन नॉर्मल लोग भी आजकल और टिप टॉप रहते हैं, सैलून जाते हैं हफ्ते में दो बार या एक बार या एक महीने में दो तीन बार तो जाते हैं, तो आप वो कैसे उसको फॉलो करते हैं और आपका क्या टेक है? इस चीज़ पे थोड़ा हम आर्किटेक्ट्स, इस पे आपको ज़्यादा नहीं पता भाई, इस चीज़ पे हम थोड़ा समीर पे रिलाई करते हैं। स्टार्टिंग से हमें ग्रूम कहते आ रहे हैं, आगे भी हमें वही ग्रूम करेंगे। This is our forte. We know whatever we've done, that is his forte. We rely completely on him. However, he grooms us. I think that's what the nation follows and will follow from now on. Okay, last but not the least, message for Sameer bhai. One very emotional message. Since the first meeting, I did not know him. Through his through her brother, that is how I came across Sameer. But since the start, he's always treated me like a younger brother. कुछ भी हो जाए, हम मैं खड़ा रहूँगा तो वो घर नहीं जाएंगे, मैं रात को अगर खड़ा हूँ साइट में, he will stay with me. In fact, मैं चला जाऊँगा बोल के कि लेबर काम कर रहे हैं बॉस, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, वो बोलते हैं नहीं मैं रुकूँगा, मेरे सुबह आने तक वो रुकते थे। ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला हमें कभी भी। Amazing, fabulous. Great, thank you.